हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। 2 दिन से कितनी बारिश हो रही है यार, बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा है और इसी वजह से मेरा व्लॉग भी नहीं आ पा रहा है। 2 दिन हो गए, तो आज मैं सोच रहा था घर में बैठ के ही कुछ किया जाए। अच्छा, ऐसे ही कुछ आगे की जो प्लानिंग चल रही है आजकल घूमने की, वो बताई जाए आप सबको। तो प्लानिंग कुछ इस तरह है कि अभी बन रहा है प्लान घूमने का, जगह डिसाइड नहीं हो पा रही है कहाँ पर जाएँ कहाँ पर नहीं जाएँ। कोई कह रहा है मनाली चलते हैं, कोई मसूरी, कोई शिमला, कोई कुछ। तो मनाली की जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी, इतनी वीडियो वायरल हो रही है कि इतनी भीड़ है कोरोना के टाइम पे, इतना मतलब वहाँ पर लोग जा रहे हैं, इतनी भीड़ है वहाँ पर, मतलब कदम रखने की जगह नहीं है। दिल्ली में जैसे चांदनी चौक का हाल होता है, वैसे ही आजकल मनाली का हाल चल रहा है। ऐसा कुछ हमें देखने को मिल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर, हर कोई पोस्ट डाल रहा है। और इसी के चलते वहाँ पे नए नए रूल्स भी लागू हो गए हैं कि एक गाड़ी में 2 से ज़्यादा पैसेंजर नहीं होने चाहिए, और भी काफ़ी सारे रूल्स इन्होंने चेंज किए हैं। तो अच्छा भी है, होना भी चाहिए। तो आज पड़े पड़े या आलस इतना आ रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी। सुबह से बैठे बैठे सब ये लैपटॉप खोलो, व्लॉग्स देखो, बस बंद करके रख दो, यही चल रहा है। जिसको भी फ़ोन करो, भाई चल रहा है क्या? अरे यार इतनी कीचड़ हो रही है, कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाएगा भाई? तू भी सो, एक काम कर, सो जा, बंद कर सब, सो जा, कहीं नहीं जाना भाई। शाम को देखते हैं, शाम को निकलेंगे अपन, कुछ थोड़ा साफ़ होगा तो मौसम, बारिश वारिश का आ जाएगी बीच में तो भीग जाएंगे ना भाई। मैंने कहा अच्छा भाई, तो क्या कागज़ के बने हो क्या जो बारिश में भीग के फट जाओगे? यार मानते ही नहीं लोग यार, यहाँ बोर हो रहा हूँ घर में पड़े पड़े यार, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। उठे, अपना लैपटॉप खोला, जिनके मैं व्लॉग्स देखता हूँ, मैं थोड़ा मोटिवेट होता हूँ, काफ़ी मोटिवेट होता हूँ मैं व्लॉग्स देखता हूँ। तो मैं गौरव भाई को देखता हूँ, गौरव तनेजा भाई, गौरव जोन को मैं देखता हूँ, MSK को मैं देखता हूँ, जट प्रभजोत भाई हैं उनको मैं देखता हूँ। वो तो खैर काफ़ी अच्छे लेवल पे आजकल व्लॉगर हैं, तो अगर आप लोगों का साथ बना रहेगा तो हम भी उस लिस्ट में आएंगे एक ना एक दिन। तो एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि ये बात शेयर करूँ सबसे। ये जो आजकल सब लोग फिटनेस की तरफ जा रहे हैं, फिटनेस एंथुजियास्ट जो अपने आप को बोलते हैं सब, मैंने भी जिमिंग शुरू किया 2-3 साल पहले, काफ़ी अच्छे लेवल तक मैंने किया, प्रिपरेशन की कॉम्पिटिशन्स के लिए, मैंने कॉम्पीट भी किया, तो मतलब ठीक है, सब अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था कि मतलब मैंने काफ़ी अच्छा कॉम्पीट किया, बीच में मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स भी खेले, हालाँकि मेरा किसी में मतलब फर्स्ट रैंक या गोल्ड मेडल ऐसा कुछ तो नहीं आया, लेकिन हाँ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, मैं मेहनत भी अच्छे कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो एक लाइफ में मतलब सबके ऐसा डाउनफॉल आता है, सबके साथ आता है, सबको मतलब अप्स एंड डाउन्स तो फेस करना ही पड़ते हैं। तो मैंने जो मतलब मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की, वो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ आज, कि जो भी सब चल रहा था उस टाइम पर काफ़ी अच्छा, मैं डेली मेरा रूटीन बना हुआ था, मैं सुबह उठ के 6 बजे 5 बजे 5:30 बजे जब भी उठता था, थोड़ा फ्रेश होके अपना प्री वर्कआउट मील्स लिया, और अपना जो भी स्टैक होता था मेरा सप्लीमेंट्स वगैरह, प्री वर्कआउट BCAA एंड आपका प्रोटीन शेक, आफ्टर वर्कआउट शेक, इंट्रा वर्कआउट शेक, सब कुछ प्रिपेयर करके मैं घर से लेकर जाता था, जिम जाता था मैं, वहाँ पर वर्कआउट शुरू करते थे। और इतने बढ़िया अच्छे तरीके से प्यार से हमारे बड़े भाई हैं विवेक बड़ाना जी, रोहित बड़ाना जी, इतने प्यार से मतलब एक छोटे भाई की तरह उन्होंने, इनके फादर श्री सुभाष बड़ाना जी जो कि इंडिया के टॉप मोस्ट बॉडी बिल्डर्स के गुरु वो रह चुके हैं, और आज भी स्टिल वो लोग उनको सबसे ऊपर रखते हैं। तो आजकल तो खैर वो नहीं है इसमें बॉडी बिल्डिंग में, वो पॉलिटिक्स में है। तो खैर हम थोड़ा टॉपिक से भटक रहे हैं, सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे। मेरा रूटीन यही रहता था, जिम जाना, अपना वर्कआउट करना बढ़िया तरीके से, मेरा डेली का मतलब उस टाइम मेरे दो शुरू के 2-3 साल ऐसे रहे हैं कि मैं सुबह से
मतलब जब से मैं जिम में घुसा हूँ, मतलब मेरा दिन का पार्ट मान लीजिए 24 घंटे होते, तो मैं दिन के 10 घंटे जिम में बिताता था। 10 घंटे वो ऐसे होते थे, मेरा 1-1.5 घंटे का वर्कआउट होता था सुबह का, 1-1.5 घंटे का शाम का। तो प्रिपरेशन के टाइम पे तो दोनों टाइम करना पड़ता है वर्कआउट, अपना ट्यूनिंग करने के लिए बॉडी को, अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। जो अगर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग समझ पाएंगे। ऐसे ही चलते 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 काफ़ी, मुझे जो लगता है मैंने अपने लेवल पे काफ़ी मतलब अपने मेडल्स इकट्ठा किए, सर्टिफिकेट्स, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं सर्टिफिकेट मेरे लगे हुए हैं। बाकी जो बीच में वाइट वाइट स्पॉट दिख रहा होगा आपको, वो कील वहाँ से निकल गई, तो इस वजह से एक दो तीन और सर्टिफिकेट रखे हुए हैं, वो सब निकल गए। हमें ट्रॉफीज़ वगैरह भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वीडियो में। और जो मेरी मूवमेंट्स हैं स्टेज पे, ऑन स्टेज जो मेरा मूवमेंट है, वो सब भी पिक्स वगैरह मैं आपसे शेयर करूँगा सारी। और इस दौरान जो मेरी 2-3 साल की जर्नी थी, जर्नी तो खैर अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, ये जर्नी मेरी बॉडी बिल्डिंग वाली या फिर फिटनेस लाइन वाली कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये तो हमेशा रहेगी, लास्ट टाइम तक मेरे साथ रहेगी ये चीज़। तो अभी टाइम थोड़ा कुछ ऐसा आ गया था बीच में कि नहीं हो पा रही थी जिम कंटिन्यू, कभी कुछ काम तो कभी कुछ काम कभी कुछ काम, तो अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है धीरे धीरे लाइन पे, जिमिंग शुरू की है दोबारा। आप हेल्थ मेरी देख सकते हैं, ये सब कुछ सब मतलब कपड़े जो मेरे फिट आते थे, ये टी शर्ट पहले मेरे फंसती थी और आज देखिए कितनी लूज़ है, कितनी लूज़ टी शर्ट हो गई है। तो इसको भी करेंगे जल्दी, वर्कआउट शुरू करेंगे अच्छे तरीके से और कंटिन्यू करेंगे जिमिंग अपना, आगे अपने जर्नी आगे भी चालू रखेंगे। तो मेन जो मेरा मोटिव था आज वीडियो बनाने का, वो ये था कि जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि यार ठीक है एक बार मतलब हम जिम जाना शुरू करते हैं, हम अपनी फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, तो एक लेवल ऐसा आता है कि इंसान को लगता है अपने हिसाब से कि यार चल ठीक है बस हो गया बहुत है, इसको मेंटेन रखते हैं। तो उसको मेंटेन रखना अच्छी बात है, रखिए मेंटेन, लेकिन एक बहुत से लोग मेरे जैसे जो मैंने गलती की कि यार चल ठीक है मेंटेन तो हो ही गया है, थोड़ा जिम को थोड़ा बॉडी को रेस्ट देते हैं यार, क्योंकि आप प्रिपरेशन के टाइम पे आप लोग समझ सकते हैं हम कितना स्ट्रेस दे देते हैं अपनी बॉडी को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं। तो वो चीज़ से रिलैक्स देने के लिए बॉडी को हमने, मैंने सोचा कि चल यार थोड़ा सा गैप देते हैं, रेस्ट मोड पर डालते हैं बॉडी को। तो वो चीज़ चलते 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 क्या है, रेस्ट मोड रेस्ट मोड रेस्ट मोड में क्या, रेस्ट मोड कितना होता है, 1 महीना 2 महीना पर प्रोफेशनल्स के लिए। तो 1 महीना 2 महीना मेरा कब 1-2 साल में बदल गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि हम क्या है अपने कंफर्ट जोन में एक बार आ जाते ना तो दोबारा मन नहीं करता कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। तो इस चीज़ का नुकसान क्या हुआ वो आपके सामने है, ज़ीरो बिल्कुल। फिटनेस गोल्स थे जो वो अचीव हुए भी, लेकिन वापस घूम के ज़ीरो पे आ गया। कहाँ 17 इंच का बाइसेप था, आज दोबारा वही 13-14 पे अटका हुआ है। खैर वो तो इम्प्रूव हो जाएगा, एक में टाइम की वेस्टेज जो हुई बीच में वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप ये चीज़ ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा आज ये था, मेन पर्पस आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना, मैंने अपने जो स्टोरी है वो बताई, क्या पता बहुत से लोगों को देख के थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। और जो लोग ये गलतियां अभी कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि आज मैं अपने आप को जब मिरर में देखता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा पछताता हूं, क्योंकि देखो एक तो पैसे की वेस्टेज, टाइम की वेस्टेज, और दूसरा जो इमेज आपकी बनती है ना, तो मतलब इतना टाइम इतनी मेहनत के साथ जो आप इमेज बनाते हैं मार्केट में बोल लो या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में बोल लो या किसी भी चीज़ में बोल लो, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। चाहे जो आपसे मोटिवेट हुए होते हैं ना वो भी डीमोटिवेट सा थोड़ा सा फील करते हैं कि यार मैं तो इस बंदे को देख के मोटिवेट हुआ था, मैंने भी फिटनेस जर्नी अपनी शुरू की थी
और ये आज ऐसा कैसे हो गया अचानक ही। तो इंसान के मन में क्या बन जाता है, एक परसेप्शन बन जाता है कि यार अगर जिम आप छोड़ दोगे तो ऐसे हो जाता है फर्क। क्योंकि प्रोफेशनल्स और नॉर्मल बंदे का फिट रहने का गोल होता है, किसी का प्रोफेशनल गोल होता है कि मेरे को कंपीट करना है, बॉडी बिल्डिंग खेलनी है। तो इसमें फ़र्क है, अगर आप फिटनेस के लिए जिम जाते हैं तो बहुत अच्छा है, वो चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। बॉडी बिल्डर्स का क्या होता है, बहुत सी चीज़ें उनको ध्यान रखनी पड़ती हैं, बहुत सा उनका रूटीन अलग होता है, सब चीज़ उनकी अलग होती है। तो क्या है, अगर बॉडी बिल्डर अपना लाइन छोड़ दे, ट्रैक छोड़ दे, वो अपना जो डेली का शेड्यूल होता है उसका, उसको अगर छोड़ दे तो क्या है, गिरावट होनी शुरू हो जाती है। धीरे 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 बॉडी भी डाउन मारती है और साथ साथ बहुत चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। तो ये थी मेरी स्टोरी, छोटी सी, या फिर कैसी भी आप समझें इसको, जैसा मैं एक्सप्रेस कर पाया मैंने किया। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही होता है, एकदम से कोई परफेक्ट नहीं बन जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।